अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्तर खान। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 किलो गाजर के हलवे। ये बहुत ही टेस्टी और हम बहुत ही इसे हलवाई स्टाइल बनाएंगे। ये देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से इसको भुना है। इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है। ये देखिए, हम 2 किलो गाजर का मेजरमेंट बता रहे हैं। हम 1 कप घी लेंगे। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो आप आधा कप लें मेजरमेंट के कप से। 4 इलायची से इसका घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें गाजर हमारे जो घिसे हुए हैं उसे शामिल कर दें। ये हमने 2 किलो गाजर को घिस लिया है धुल के। कद्दूकस भी कहा जाता है। ये देखिए, हम इसे अच्छे से घी में भूनेंगे। देखिए, हमने इसका पानी पूरा खुश्क हो गया है। देखिए, एकदम ही इसका पानी सूख गया है। इसी तरीके से आपको घी में भुनना है। इसकी जितनी बुनाई होगी कि हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। ये हम शक्कर डाल रहे हैं। 2 किलो में 2 कप शक्कर जाएगी, 1 किलो में 1 कप जाती है। ये देखिए, हम आपको मेजरमेंट के हिसाब से बता रहे हैं। एक कप घी, 2 कप शक्कर, 2 किलो गाजर के हिसाब से एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसका मीठापन भी एकदम सही उतरेगा। और हम इसमें खोए का इस्तेमाल करेंगे। हम 1/2 किलो खोवा लेंगे। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो आप 1/2 किलो खोवा लें। और दूध हम 2 कप लेंगे 2 किलो गाजर के हिसाब से। ये देखिए, अब हम शक्कर दूध में पिघल जाए इतना हम इसे और भुनेंगे और इसका पूरा पानी हम खुश्क कर लेंगे। दूध को पूरे अच्छे से हम सुखा लेंगे जब तक कि गाजर घी ना छोड़ दे। ये देखिए, दूध में हमारे बाल आ गया है। ये देखिए, अभी हमारा दूध गाजर में 1/2 हो गया है। इसे अभी हम और भुनेंगे। इसे इतना भुनेंगे कि ये तेल घी छोड़ दे, दूध एकदम खुश्क हो जाएगा। और गाजर के हलवे में जितनी भुनाई करें उतना ही इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। सिर्फ आप ध्यान रखें कि नीचे ना पकड़े, इसे थोड़ी थोड़ी देर में आप चलाते रहें। ये देखिए, अभी हमारे गाजर सूखने पे आए हैं, दूध खुश्क हो रहा है। इसकी थोड़ी और भुनाई हम करेंगे। ये बहुत ही हलवाई स्टाइल बनता है। आपको लगेगा कि हम बाजार से लाए हैं। इस तरीके से बनके तैयार होता है। आप जरूर इस तरीके से इसी मेजरमेंट के हिसाब से बनाएं। ये देखिए, एकदम ही दूध खुश्क हो गया है और ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसमें खोवा शामिल कर देंगे। हम इसमें 1/2 ही खोवा डालेंगे मावा, और 1/2 मावा हम रखेंगे गार्निशिंग के टाइम लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा उसका कलर आया है, कितना अच्छे से भून के ये तैयार हो गया है। ये देखिए, हम मावा अभी शामिल कर दे रहे हैं। मावे को भी हम अच्छे से भून के इसमें मिला लेंगे।
मावे से इसका टेस्ट और कलर दोनों भी अच्छा हो जाता है खोए का। ये देखिए, आराम से खोवा मिल जाता है हलवे में। इसका कलर देखिए कितना खिल गया है। ये देखिए खोवा अच्छे से गाजर में मिल गया है और अच्छे से भुन गया है। अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाएंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इस वक्त आप इसमें ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मगर हमने इसमें ऊपर गार्निशिंग में सिर्फ डाला है। ये देखिए हमारे गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। हमने खोवे को ऊपर से लगाया है सजाने में और ड्राई फ्रूट से सजाया है। आप भी बनाएं और हमें बताएं क्या।